Zoom इस्कोटेको Zoom इस्कोटेको। अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन के लिए करण की ये पार्टी किसी इम्तिहान से कम नहीं थी, क्योंकि दोनों को ही उनके एक्स लवर्स का सामना करना पड़ा। अभिषेक के सामने आई करिश्मा कपूर, तो वहीं ऐश्वर्या का सामना हुआ विवेक से। करण जौहर की बर्थडे पार्टी में जब एक ही छत के नीचे पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हुआ तो दोस्ती के नए रिश्ते भी बने। जबकि करिश्मा और करीना पहुंची सैफ अली खान के साथ। पार्टी में पहुंचते ही अभिषेक तो चले गए शाहरुख खान के पास और दोनों एक दूसरे के साथ बातों में बिजी हो गए। रह गई ऐश, तो उन्होंने अपने लिए ढूंढ ली करिश्मा और करीना की कंपनी। सूत्रों की माने तो ऐश ने ना सिर्फ करिश्मा को विश किया बल्कि उनसे किसी फैमिली मेंबर की तरह देर तक बातें भी की। पार्टी में इन दोनों को एक साथ देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि ये वही ऐश और करिश्मा है जो कुछ अरसे पहले एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती थी। वजह तो आप भी जानते हैं, भाई करिश्मा पहले अभिषेक की जीवन संगिनी बनने वाली थी लेकिन बात नहीं बनी और दोनों को अलग होना पड़ा। करिश्मा की शादी संजय कपूर के साथ हो गई, जबकि अभी ने बना लिया ऐश को अपना हमसफर। अभिषेक और करिश्मा के अलग होने के बाद बच्चन फैमिली और कपूर के बीच भी दूरियां बढ़ गईं। कई मौके ऐसे भी आए जब करीना बिग बी के सामने तो आई लेकिन उनसे नजर बचाकर निकल गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐश भी कपूर खानदान से दूरी बनाकर रखती थी, मगर करण जौहर की बर्थडे पार्टी में तो जैसे इन रंजिशों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ऐश ने भी पुरानी बातें भूलकर करिश्मा और करीना के साथ वक्त बिताया। करण की इस पार्टी में ऐश पूरी तरह बदली हुई नजर आई। उन्होंने कपूर सिस्टर्स का स्वागत तो मुस्कुराकर किया ही, साथ ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड विवेक ओबरॉय को भी नजरअंदाज करने की बजाय उनसे करीब 10 मिनट तक बात की। शायद करीना की तरह ही ऐश भी उन्हें शादी करने की सलाह दे रही होगी। यानी करण की ये बर्थडे पार्टी बन गई एक ऐसा गेट टुगेदर जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी थी, गम का नाम भी नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, Mumbai।